खबर महाराष्ट्र से, जहां अकोला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां अकोला एसपी बच्चन सिंह ने बताया कि अकोला नाके के पास स्थित पुलिया से दो युवकों को हिरासत में लिया गया था और उनके पास से दो देशी कट्टे और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं युवकों से पूछताछ में पता चला है कि इस देसी कट्टे और जिंदा कारतूस का मास्टरमाइंड तीसरा आरोपी शुभम रामेश्वर है, जिसे पुणे से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस की जांच में पता चला है कि शुभम लोड़कर के मोबाइल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसे दिखने वाले व्यक्ति के साथ इंटरनेशनल वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया गया। साथ ही लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के साथ भी एक ऑडियो कॉल के जरिए संपर्क किया गया है। ऐसे में अकोट शहर में पाए गए दो देशी कट्टे और जिंदा कारतूसों के मामले को लेकर कोई बड़ी साजिश होने की जानकारी सामने आई है। 16 जनवरी को अकोट शहर में दो देशी कट्टे और 9 राउंड जब्त किए गए थे। इसकी तपास में अकोट पुलिस ने दोनों आरोपी को अरेस्ट किया। आगे की तपास में ऐसा सामने आया कि एक तीसरे आरोपी ने सारा ऑपरेशन एक मिडिलमैन के मार्फत ऑपरेट किया था और डिलीवरी अकोट में करवाई थी। वो तीसरे आरोपी को भी 20 जनवरी को अरेस्ट किया गया एंड उनकी तांत्रिक तपासनी में ऐसा सामने आया है कि उन्होंने तथाकथित डॉनिस बिश्नोई, उनके साथ दो बार वीडियो कॉल किए हैं एंड इसके अलावा उनके भाई उसके साथ ऑडियो कॉल और एक और इंटरनेशनल नंबर के साथ इनके ऑडियो कॉल्स हैं। आगे की तपास कोर्ट सिटी पुलिस स्टेशन और एलसीबी की तरफ से की जा रही है। हम सभी रीति से उसकी तपास आगे कर रहे हैं।